हेलो, वेलकम बैक माई चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ मामा अर्थ विटामिन सी फेशियल किट का रिव्यू। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ और अपना ट्रू रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ, तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है टू सी द रिजल्ट्स और कैसे हर स्टेप को करना है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। यहाँ पे मेरे पास है मामा अर्थ का विटामिन सी फेशियल किट विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक। ये 6 स्टेप सिंगल यूज़ किट है, मतलब एक ही बार में इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपको 399 रुपीज़ में मिलेगा। अगर सेल चल रही हो तो आपको और सस्ता भी मिल सकता है। 2 साल की शेल्फ लाइफ है, मतलब 2 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दो, ये बेसिकली एक्सटर्नल यूज़ के लिए है और जब भी आप इसे इस्तेमाल करें एक पैच टेस्ट ज़रूर करके देखें, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हो जो आपके फेस को, फेस टाइप को सूट ना करे। तो सबसे पहले एक पैच टेस्ट अपने हैंड पर करके देखें। अगर आपको कोई इरीटेशन हो रही है, रैशेस जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी वक्त इसे स्टॉप कर देना लगाना। कुछ इस टाइप के छोटे छोटे ट्यूब देखने को मिलेंगे, 6 ट्यूब्स है, जिस हर एक बॉटल में आपको स्टेप वाइज दिया हुआ है कि आपको कौन सा स्टेप पे क्या यूज़ करना है। सबसे पहले क्लेंजिंग मिल्क आ जाएगा, जिससे आपको अपने फेस को क्लीन करना है। सेकंड स्क्रब है, थर्ड सूदिंग जेल है, फोर्थ है आपका मसाज क्रीम, फिफ्थ है मास्क एंड सिक्स्थ है रेडियंस क्रीम। सो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने स्किन पे से टेस्ट करेंगे। प्लीज़ इग्नोर माई हेयर, मैंने हेयर बैंड लगाया है तो ये पूरा। एनीवे, मेरी स्किन टाइप है ऑयली टाइप स्किन है और हाईली सेंसिटिव स्किन है। मैंने ऑलरेडी अपने हैंड पे स्वॉच करके देख लिया है और 5-10 मिनट्स के लिए मैंने वेट किया है और मुझे कोई भी इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना फेशियल। स्टार्ट करने से पहले आप पास एक बाउल रखें जिसमें आप क्लीन वाटर रखते हैं और साथ में एक छोटा सा टाल यूज़ करें। स्टेप के बाद हमें उठ के ना जाना पड़े, तुरंत हम वाटर में डिप करके और अपने प्रोडक्ट यूज़ किया उसे क्लीन कर पाएँ। तो ये चीज़, दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक हेयर बैंड ताकि फेस पर आपके कोई हेयर आपको परेशान ना करे। तो दिस इज़ द पैकेजिंग यू आर गेटिंग। सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं क्लेंज मिल्क। ये आपको पूरा कवर्ड दिखेगा, लिक्विड कंसिस्टेंसी की है। तो आपको सबसे पहले अच्छे से डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है और अच्छी तरीके से बहुत हल्के हाथ से आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इसे थोड़ा सा पानी लेके हल्का से मसाज दे देंगे ताकि जो भी हमारा डर्ट या कोई भी चीज़ आपके स्किन पे मेकअप प्रोडक्ट लगा हो तो सारा रिमूव हो जाए। विद हेल्प ऑफ क्लीन टॉवल हम अच्छे से सेकंड स्टेप फेस स्क्रब। येलो कलर का कुछ स्क्रब हमें मिला है, थोड़ा सा हमें प्रोडक्ट लेना है और डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, तो दो मैं स्क्रबिंग बहुत अपने फेस पे कम करती हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो आई एम यूजिंग दिस, डूइंग दिस स्टेप। पानी लेके अपने हैंड में और अच्छी तरीके से हमें स्क्रब कर लेना है। इस स्क्रब के पार्टिकल दो वेरी बहुत हार्ड है, आई डोंट थिंक इतना हार्ड होना चाहिए, स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल या जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है। तो बहुत ही जेंटली आप हल्के हाथ से बस अपने फेस को मसाज करें, चीक्स पे सर्कुलर मोशन पे, नोज लाइक दिस। जब ऊपर जाना है तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, नीचे आते वक्त प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे, लाइक दिस सर्कुलर मोशन ऑन चीक। ज़िगज़ैग पोर्शन अपने चिन पे अप्लाई करेंगे एंड सेम विद द फॉरहेड। स्टेप करीब हमें 5 मिनट्स तक करना है। अभी मैं नेक पे नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, जब आप करिएगा तो नेक पे भी इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं ये फेशियल बैठ के कर रही हूँ तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे क्लीन करने के लिए। सो अभी मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, बट आप नेक पे ज़रूर लेके जाए। हमेशा अपवर्ड मोशन में हमें स्क्रबिंग या कोई भी पार्ट करना है। सूदिंग जेल वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर स्क्रब। क्लियर कंसिस्टेंसी का आपको ये जेल देखने को मिलेगा, बहुत ज़रूरी है जेल से मसाज करना अपने फेस को आफ्टर स्क्रब, क्योंकि ये आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है।
इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद थोड़ा सा माउथ के अराउंड मुझे इचनेस फील हो रहा है, बट आई थिंक वो होता है क्योंकि जब आप स्क्रब करते हो तो आपका फेस थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, तो हल्का बहुत इचनेस आपको देखने को मिल सकता है। इस स्टेप हमें 5 to 10 मिनट्स के लिए करना है। सनस्क्रीन वैक्यूम लाइक प्रेशर अपने फेस पे हम अप्लाई करेंगे। सो जैसे आपके फेस पे एक बाउंसीनेस देखने को मिलेगी, आपके फेस की इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होगी, तो ये स्टेप करना बिल्कुल ना भूलें। और कम से कम आपको 10 to 15 मिनट्स ऐसे ही मसाज क्रीम से अपने फेस को अच्छी तरीके से मसाज देना है। एक बहुत ही अच्छा सा ग्लोइंग सा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे हम अपना फेस पैक, अच्छी क्वांटिटी में लेके अच्छी तरीके से अपने फेस पे पैक लगा के उसे 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद जब आप इसे रिमूव करेंगे तो एक क्लीन क्लॉथ की मदद से आप इसे अच्छी तरीके से रिमूव कर लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे इंस्टेंट ग्लो अपने फेस पे। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी इम्प्रोवाइज हुई है जब मैंने पहले ये स्टेप इस्तेमाल किया था, और अब आप देख सकते हैं लास्ट में। फाइनली अप्लाइंग द रेडियंस क्रीम, इससे आपके फेस का मॉइस्चर बैलेंस रहता है, आपका फेस ऑयलीनेस बिल्कुल नहीं रहता आपके फेस पे, और एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज़ माई ऑल फेस प्रेप डन फॉर दिस दिवाली। दिस इज़ माई ऑल स्टेप कम्प्लीट। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया, मतलब काइंड ऑफ फ्रूट फेशियल टाइप का ये किट था। तो 400 रुपीज़ में अगर आपको ऐसा मसाज किट मिल जाता है जिसे आप एक या दो बार से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अफोर्डेबल है। सो टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, जब से मैंने फेशियल किया उसके बाद से मेरी स्किन काफ़ी ग्लोइंग लग रही है और हेल्दी लग रही है और थोड़ी सी ब्राइटन अप भी लग रही है। आप फेशियल करवाने बाहर भी जाते हैं तो भी आपको 500 to 600 देना ही पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि 400 रुपीज़ में जो ये रेडियंस मेरी स्किन पे लेके आया है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। एक नेचुरल सा मेरी स्किन ब्राइटन अप लग रही है और थोड़ी सी ग्लोइंग लग रही है। तो 400 रुपीज़ में एक या दो बार आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग। फ्रूट फेशियल लाइक रिजल्ट ही आपको देखने को मिलता है। दो फेशियल से आपको दूसरे दिन इसका अच्छा प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। काइंड ऑफ लाइक दिस प्रोडक्ट, होप यू ऑल्सो डू। होप लाइक द वीडियो, प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइस।